फाल्गुनी घर छोड़ के चली गई। जिंदगी में पहली बार फाल्गुनी ने कोई अच्छा काम किया। फाल्गुनी घर छोड़ के चली गई। जिंदगी में पहली बार फाल्गुनी ने कोई अच्छा काम किया है। जो काम मैं इतने प्लान्स के साथ भी नहीं कर पाई, अपने आप हो गया। देर हो ना, आप देर हो। हाँ, देखा उसने हाथ में चिट्ठी उठाई और उसने बोला, आज मैं सुरेश को वो बात बताने जा रही हूँ जिसे मैं जानकर उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी, जिससे उनका सपना चूर चूर हो जाएगा। पर अब मैं उनसे ये बात और नहीं छुपा सकती। मुझे मुझे हिम्मत देना भगवान, हिम्मत देना। ठीक है, ओके। सर के डायलॉग भी मुझे शक्ति दे, हिम्मत। क्या सॉरी, इधर सर, इधर क्लोज क्लोज पे आ जाओ। एक बार आना बच्चा, एक बार बैठ जाओ। चलो चलो, बोले गए तो वाइट वाइट भी रोल करना है अविनाश। एक्शन, आ जाओ डांस क्लास को बस नहीं बिल्कुल। चलो मान लो फिर से रोल बनाएगा। हाँ, रोल रोल ये एक्शन। शॉक जॉन बोल बोल, फोकस 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 पर क्लोज वाला। हाँ, एक अभी नहीं है। हाँ, माफ करना बहु रानी। ये क्या करिए बेटी, माफ करना बहु रानी, ये हमारी नातिन है। आज इसकी माँ ने सवेरे आप जैसी साड़ी पहनी थी, मेरा मतलब आपके रंग की साड़ी पहनी थी, तो इसे शायद लगा कि इसकी माँ है। आज इसकी छुट्टी थी ना स्कूल की, तो इसे मैं अपने साथ ले आया। बहु रानी माफ करना अगर इसने आपको तकलीफ दी। चलिए फाल्गुनी, इमोशनल 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 इमोशनल। हाँ तो बच्ची, अरे क्या ये बोल गई,
रोल रोलिंग एक्शन चलो अरे बेटा सुन सुन बेटा होल्ड क्या कुमार कल कोई इमोशनल पाल नहीं ओके हाँ पाल नहीं आओ हाँ थोड़ी देर अच्छी राइट आ राइट राइट आ राइट आ बेटा हाँ बस बोलिए एक्शन पकड़ो माँ अरे बोल तो दे बेटा माँ तो बोलो यार अब क्या माँ पहले आप फिर से बोलो फिर से बोलिए एक्शन आओ जो लोग पीछे खिलाओ चलो फोकस ठीक है चल फेस का देते उसका फेस का बच्चे पीछे जाओ फेस का फोकस दो पूरी वर्ष बोलता हूँ माँ के लिए एक्शन माँ हूँ देखो बेटा ओके फाल्गुनी आज बहुत टेंशन में नजर आ रही है साथ में खुश भी नजर आ रही है क्या बात है खुश तो नहीं हूँ टेंशन में हाँ सॉरी एक मिनट कट करते हैं खुश तो मैं टेंशन में बहुत हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को हाँ फिर से हाँ मैं टेंशन में हूँ क्योंकि सॉरी अभी फाल्गुनी बहुत टेंशन में है क्योंकि उसे सुयश को सच बताना है दैट शी कांट बी अ मदर एवर और वो कभी फैमिली कंप्लीट नहीं कर सकते जिसे बोलते हैं कि एक बच्चा है तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो वो बहुत ही गिल्ट में है कि कैसे बताएं और बहुत परेशान है लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करने जाती है कि मुझे शक्ति दो कि मैं अपने हस्बैंड को बता पाऊँ सुयश को बता पाऊँ और वो चिट्ठी लिखती है जो वो सुयश को देना चाहती है तो अभी ऐसा है और उसके बाद मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ चिट्ठी दे के चली जाती हूँ और ऐसा कुछ होता है जहाँ पे मुझे एक डॉक्टर मिलती है और वो मुझे बताती हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू एंड यू कैन बी अ मदर सो मैं वापस आती हूँ घर पे और मैं बहुत खुश हूँ और बस हम खुश हैं फिर उसके बाद फाल्गुनी खुश हो जाती है घर में एक छोटी सी बच्ची आई है उसके उसका कौन सा सीन है क्या चल रहा है जो बच्ची है एक्चुअली तो मैं जब अपने कान्हा जी से प्रे कर रही हूँ तो बच्ची मुझे पीछे से आके हक करती है और बोलती है माँ तो एक सिग्नल होता है कान्हा जी का एक्चुअली कि रिलैक्स मेरे बच्चे तुम्हें माँ बनने का सुख ज़रूर मिलेगा लेकिन वो मैं तब पहचान नहीं पाती हूँ और तब वो आती है और मुझे लगता है कि कान्हा जी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मतलब कि एक्चुअली वो बच्ची ऐसी होती है कि उसको लगता है कि मैं उसकी मम्मा हूँ क्योंकि उसकी मम्मा ने भी आज ऐसी साड़ी पहनी होती है ऐसी कलर की तो बस यही सीन हुआ है और पर लग रहा है सासू माँ पीछा छोड़ेंगी इस तरह इतनी आसानी से मतलब आपको माँ बनने देने वाली है हाँ वो तो नहीं छोड़ने वाली है पर उत्तरा जी को अभी तक ये नहीं पता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे ऑपरेट नहीं किया गया था तो वो जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा वो पता नहीं क्या होगा तब वो चलेंगी चाल अपनी अभी तो शी इज़ रिलैक्स्ड फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बहुत ही लाइट मोमेंट्स और अच्छे फाल्गुनी सुयश के सीन्स आ रहे हैं सो यू कीप वॉचिंग जी जी मॉन स्टार भारत थैंक यू लो। ओए बेटे चल कैमरा आइड ले
जाओ बेटा माँ बोलो मुझे लगा माँ है सॉरी माँ अरे भाई तो रात में लेफ्ट और लेफ्ट जा और लेफ्ट जा एक्शन बॉडी डॉट करेगा कोई एक्शन बिटिया क्या माफ करना हो रहा नहीं ये मेरी नातिन है आज सवेरे इसकी माँ ने ऐसी साड़ी पहनी थी मेरा मतलब इसी रंग की साड़ी पहनी थी तो हो सकता है इसे लगा हो कि इसकी माँ है आज इसकी छुट्टी ना स्कूल की इसके लिए मैं इसको साथ लेके आया माफ करना हो रहा नहीं अगर इसने कोई तकलीफ दी मागो अरे अरे बिटिया सुन और कर और कुछ बचा है नहीं सर